starting vision with you. कल तक परमजीत कौर है सर मेरा नाम। केड़ा पिंड है, की गल दिक्कत आ रही है? पूरा डेरा है सर मेरा पिंड। मैं कांग्रेसी वर्कर भी हूँ सर, मैं मंडल की प्रधान भी हूँ। ते सारे पिंड दी मैं सर अपना परिवार समझ के मैं मदद करती हाँ। ते मेरी कोई कदे भी कदे किथे भी सुनाई नहीं हुई। मैं एक वर्कर भी बनी हाँ, ना तो MLA साहब ने मेरी कदे भी सुनाई की आ। मैनू कहा गया तेनू सरपंच भी असी बनावांगे, ते मैं पूरी सपोर्ट की सर। मेरे ते शराब दा इलैक्शन च केस भी पिया सीगा, ते मैं सारे दुख झले सर। ना इस पिंड नू कोई राशन की सुविधा सर, 50-70 साल तो यह पिंड बसिया सर। तो इतने एक टोबा सीगा साडा, वह कहिंदे सर मालक कहिंदे भी साडा यह मालक ही श्याम लाट आ। तो पिंड कहिंदा सर यह गऊ चलाण जगह। पिंड मेरे को दुखी होकर आंदा सर, पानी गलियां च रुकिया पिया जी। ना सरपंच नूं असी बेनती की एक महीना पहला भी सर आके तुसी देखो तुहानूं असी सरपंच बनाया तो तुहाडा फर्ज बनता सेवा करन दा। तां सरपंच ने भी नहीं साडी सुनी सर। मैं सर MLA साहब के दफ्तर गई हाँ, काफ़ी बार जा चुकी हाँ जी पिंड दे सैन करा करा के, तो उन्होंने भी मेरी कोई सपोर्ट नहीं की जी। तो मैं मालक नूं कहा पिंड दे जिहड़े मालक ने इत्थे अपना कब्जा जो भी जमीन का किया वाया भी इन्हां गरीबां दा तुसी सुनो। तो वह कहिंदे भी असी टोबा इत्थे बनाया वाया ते असी पानी कदे बंद नहीं करदे। हुण तुसी आप साफ क्यों दिक्कत की आ रही तुहानूं अज्ज? दिक्कत यह आ सर, इत्थे दो लैटरिंगां बनी हुई हैं जी, उन्हां दे मतलब टैंक बंद ने जी। असी जिहड़े नेड़े दे पड़ोसी ने दो परिवार ने जी, उन्होंने बेनती की भी तुसी अपना ये अंदर जे तुहाडे कोल लैटरिंग नहीं बनती, असी संस्था वालों पैसा इकट्ठा करके तुहानूं दिंदे आ, थोड़ी लैटरिंग बनवा दें भी तुम ये 15 जने की लैटरिंग सवेरे आती है जी। इतने दो परिवार जमी बिल्कुल उन्होंने कंध नहीं हैगी जी, खाना बनाते ने। महामारी साढ़े पिंड फैल रही है सर, अज परसों कल डैथ हुई है जी एक दी। एक मुंडा PGI तो मुड़ के आया सर, सानू कितने भी कोई इंसाफ नहीं मिला सानू सरकार। सरपंच साहब कहते हैं जी, तो मैं कहता बीमार बंदा मेरे कहता तेनू इस पिंड का मैं मनिया वाया, कहता तेनू छड़िया वाया ते तू देख ना देख। ना सर कोई मेरे को मैंबरी का अहुदा, ना सरपंची का अहुदा। मैं हारी भी सरपंच हाँ, मेरा फर्ज बनता। ग्रांट सर पई भी आ, ना तो ग्रांट लाता ना 20 साल तो कोई ग्रांट इतने लगी है जी, ना कहिंदा साने लाण दी लाण देनी आ। ते मेरी बेनती आ सरकारां नूं इस पिंड नूं अड्ड भी कराया जाए। ना असी कांग्रेस नूं वोट पाणी, ना असी अकाली सरकार नूं, ना असी जी आम आदमी पार्टी नूं। ठीक है जी, असी जिहड़ी भी सरकार साडी मदद करूगी हुण असी तां उहनां दी सपोर्ट करांगे ते करदे आए ते करांगे जी दिलों। ते साडे पिंड दे टोबे दी सफाई होनी चाहीदी आ, सानूं इह टोबा पक्का बणा के दित्ता जावे। गरीब लोकां दी सुनाई नहीं हुंदी, अनपढ़ लोक ने बेचारे सर। मैं तो यह चाहती हाँ जी जिहड़े बंदे इत्थे अपना मतलब उन्हां ते कारवाई पक्की होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा काम नहीं होंदा तुसी एक्शन की होगा, थोड़ा एक्शन की होगा? एक्शन साडा यह है जी साडे पिंड नूं अड्ड किया जाए, असी नाल सर असी अगे कारवाई करावांगे जी। ਕੀਤੀ
कि इस मुद्दे नूं हल किया जाए बट उन्होंने वालों कोई भी सुनवाई नहीं की गई अजे तक। ठीक है ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਟੋਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਪੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ? ਅਸੀਂ MLA ਤੱਕ ਸਾਬਕ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ MLA ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੁਰੇ? ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।